हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का आमिर मामू यानी कि आमिर खान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, जब हाल ही में ही स्त्री द्वितीय ने 600 करोड़ क्लब का इनॉग्रेशन किया, तभी आमिर खान बहुत ही चर्चा का विषय बन चुके थे ट्रेड में, क्योंकि ही वॉज द मैन हु इनॉग्रेटेड 100, द 200 एंड द 300 करोड़ क्लब्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ऑब्वियसली उसके बाद 380 करोड़ पे दंगल अटक गई, वरना भैया 400 भी मामू इनॉग्रेट करते हैं। तो गाइस, अनफॉर्चुनेट था ये इंसिडेंट, एंड 2016 के बाद आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे उस तरह से नहीं चली। 8 साल हो गए आमिर खान ने बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म नहीं दी है। 2 फिल्में आई है, एक तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान विच टुक अ क्रैकर ऑफ एन ओपनिंग, 50 करोड़ की ओपनिंग ली थी फिल्म ने, इट वॉज मैसिवली मैड। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाल सिंह चड्ढा में दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप्स हुई। तो गाइस, अब आमिर खान जो है वापस आ रहे हैं, उनकी एक सेकेंड इनिंग्स कहूंगा। तो गाइस, इस बार वो सिर्फ और सिर्फ अभिनय करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो बनकर भी हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 4 दिन की जिंदगी के बारे में। भाई अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आमिर मामू की अगली फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारी क्वेश्चंस की यहाँ पे जवाब जो है मैं आप सभी लोगों को देने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आमिर खान फिलहाल क्या कर रहे हैं। अब सभी लोगों को पता है आमिर खान इंडस्ट्री में उन चुनिंदा एक्टर्स में से है जो अपने फिल्म की मेकिंग से लेकर उसकी एडिटिंग तक पर बैठते हैं। आमिर खान इज नोन टू सिट ऑन द एडिट्स ऑफ दिस फिल्म, एंड मैंने आपको आज से एक हफ्ते पहले कहा था द टेस्ट स्क्रीनिंग्स ऑफ आमिर खान सितारे जमीन पर विल बिगिन वेरी सून। आमिर खान यहाँ पर जो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स रहते हैं, न्यू टर्म फॉर यू नॉट फॉर मी, हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका है। लाल सिंह चड्ढा के वक्त पर स्क्रिप्ट डॉक्टर्स आमिर खान की फिल्में जो है जाकर देखते हैं, बकायदा आमिर मामू उनको फिल्में दिखाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, आमिर खान उनको फिल्म दिखाते हैं जो उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली उन लोग यहाँ पर कुछ नौकरी हासिल करना चाहते हैं या फिर कुछ पोस्ट पे होते हैं, और दिल में ये डर रहता है कि अगर आमिर मामू को बोल देंगे तुम्हारी फिल्म अच्छी नहीं है तो बुरा मान जाएंगे, शायद नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो भैया, आमिर मामू कुछ अलग डॉक्टर्स को लाइए भाई, जो सच्चाई ऊपर बोल सके आपके, आपको बता सके कि फिल्म खराब है या गलत है। तो गाइस, यहाँ पर आमिर खान अपने टेस्ट स्क्रीनिंग जो है बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जब वो सितारे जमीन का फाइनल एडिट जो है वो यहाँ पर लॉक कर देंगे। नंबर 1, आमिर मामू यहाँ पर सिर्फ अपनी फिल्म सितारे जमीन पर ही नहीं, बल्कि सनी देओल की फिल्म जो है लाहौर 1947 जो कि वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन दोनों के फिल्म के एडिट्स पर जो है बैठे हुए हैं। सितारे जमीन पर इस टेंटेटिवली अ क्रिसमस फिल्म, आमिर खान को कोई गारंटी नहीं है वो आएगा नहीं आएगा, एंड पहले ही आई थिंक मैंने आपको बता दिया था कि ये शिफ्ट हो गई अगले साल, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यस क्रिसमस पे आएगी। तो ये क्रिसमस घमासान युद्ध होने वाला है, रामचरण एंड शंकर की पैन इंडिया फिल्म गेम चेंजर, उसके बाद वरुण धवन की आया बेबी जॉन, सलमान खान का कैमियो होने वाला है, एंड गाइस अब सितारे जमीन पर इंक्लूडिंग मुफासा जिसमें शाहरुख खान की आवाज है। तो भैया, इस बार क्रिसमस पर तीनों खान आने वाले हैं भाई, बहुत मजा आने वाला है। आमिर खान आएंगे सितारे जमीन पर लेकर, सलमान भाई होंगे बेबी जॉन में, एंड शाहरुख खान की आवाज होगी यहाँ पर मुफासा फिल्म में। सो गाइस, ये क्रिसमस काफी एक्साइटिंग होगा। लेकिन अब गाइस, आमिर खान इन दोनों फिल्मों को छोड़ दूं तो राजकुमार संतोषी के साथ, एंड मैंने आपको पहले कहा जोया अख्तर की फिल्म करने वाले हैं, तो राजकुमार संतोषी की जो फिल्म है वो यहाँ पर टाइम लूप पे आधारित है। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में टाइम लूप में बार बार देखो है, दोबारा फिल्म आई थी हाल ही में कश्यप की, लूप लपेटा आई है, एक्शन रिप्ले अक्षय कुमार की आई थी, अच्छी पिक्चर थी, मेरे को मजा आया था, गाने अच्छे थे पिक्चर के, पिक्चर नहीं चली थी, फ्लॉप हो गई थी। आमिर खान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बार बार देखो मूवी में, इनफैक्ट वो स्क्रिप्ट भी उनको शायद पसंद आई थी, वो करने ही वाले थे फिल्म, लेकिन वो नहीं किए। तो क्या होता है, टाइम लूप फिल्म में वापस टाइम में जाते हो, कुछ चीजें सही करके वापस से प्रेजेंट समय में आते हो, तो ये फिल्म एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म होने वाली है जो कि टाइम लूप के बैकड्रॉप पर बेस्ड होगी, एंड इस फिल्म का नाम अभी फिलहाल रजिस्टर किया गया है 4 दिन की जिंदगी। तो यहाँ पे 4 दिन की जिंदगी राजकुमार संतोषी के साथ फिल्म जो है वो होने वाली है, सोया अख्तर के साथ मिड लाइफ क्राइसिस एंड मिड एज आदमी की ड्रामेटिक कहानी जो है वो करने वाले हैं। तो 2 फिल्में उनके पास है, लेकिन राजकुमार संतोषी की फिल्म 101% जो है कन्फर्म है, एंड द फ्लेवर ऑफ द सीजन बहुत जल्दी है। अभी मैडॉक को यशराज एंड टी सीरीज इन सबसे कंपेयर करना, धर्मा से बेबी स्टेप्स है उनके, लेकिन अब
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म देने के बाद उनका दर्जा जो काफी ऊंचा हो गया है, हर आदमी मैडॉक के साथ काम करना चाहता है। तो आमिर मामू जो है वो अविनाश अरुण नामक डायरेक्टर के साथ एक फिल्म करने वाले हैं, जो कि मैडॉक फिल्म से एसोसिएट यानी कि दिनेश विजन के साथ, उसके बाद बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म है जो कि वो प्लान कर रहे हैं। आमिर मामू वो तो ह्यूज डायरेक्टर, इसकी खुद की एक यूनिवर्स है जिसका हिस्सा सब लोग है, सभी लोगों को पता है। तो गाइस उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आज यहाँ बात नहीं करूंगा, एक दिन स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा उसके बारे में। तो गाइस ये सारी की सारी फिल्में जो है आमिर खान फिलहाल इस पर कंसिडरेशन कर रहे हैं, लेकिन चार दिन की जिंदगी जो है वो कॉमेडी है, आउट एंड आउट कॉमेडी, जहां पर फिल्म का हीरो जो है टाइम लूप में जो है वो फंस चुका है। तो गाइस लाहौर 1947 इज टारगेटिंग द रिपब्लिक डे 2025 विथ द क्लैश विथ स्काई फोर्स। उसके बाद आमिर खान की फिल्म जो सितारे जमीन पर वो क्रिसमस में आने वाली है। तो लेट्स सी गाइस ये फिल्म किस तरह से रहती है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल गाइस यहाँ पर आमिर खान जो है अपनी अगली फिल्म ऑलमोस्ट साइन कर चुके हैं, जो कि राजकुमार संतोषी के होने वाली है, जिसका नाम है चार दिन की जिंदगी। तो आमिर मामू आपको स्क्रीन पे कैमियो में भी दिखाई देंगे इन लाहौर 1947। बहुत सारी फिल्में हैं, वीरदास की फिल्म है, थोड़े थोड़े कैमियोज में सब जगह दिखाई देंगे, लेकिन फुल फ्लेश सितारे जमीन पर दिखाई देंगे। उम्मीद है कि आमिर मामू अपनी फिल्म पोस्टपोन ना करे, क्योंकि गाइस एक प्रोडक्शन हाउस के लिए दिसंबर में भी एक फिल्म एंड जनवरी में एक फिल्म काफी हेक्टिक हो जाता है। लेट्स सी गाइस वो हो पाता है या नहीं हो पाता, या तो लाहौर 1947 आगे जाएगी या तो सितारे जमीन पर आगे जाएगी। आई होप गाइस आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, जहां पर बड़े बड़े स्टार इंक्लूडिंग द खान्स जैसे कि सलमान खान, आउट एंड आउट एक्शन मास, यू नो ए आर मुर्गदास साउथ डायरेक्टर, शाहरुख खान मास एक्शन मारदार, यू नो इंटरनेशनल विथ यू नो एक्शन इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स इन किंग, आमिर खान वो रहा वो रुख अपना नहीं रहे हैं। आमिर खान चाहते हैं तो यहाँ पर एक बाप लेवल की मास फिल्म जो है जो साउथ के डायरेक्टर के करने वाले हैं वो पहले करके यू नो अपना पल्ला झाड़ देते थे, लेकिन आमिर खान इज नोन टू बी अनकन्वेंशनल हमेशा से, इसीलिए वो अब सितारे जमीन पर लेकर आ रहे हैं, जो कि अब चलेगी या नहीं चलेगी मुझे पता नहीं। बहुत ही यू नो इमोशनल फिल्म होने वाली, आपको हंसाएगी भी ज्यादा, स्पेशल किड्स पे ये फिल्म जो आधारित, हमने बहुत बार बात कर चुके हैं, इसमें आमिर खान इसमें बेवड़ा कोच का रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। एंड उसके बाद आमिर मामू विल डू अ कॉमेडी फिल्म विद राजकुमार संतोषी। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।